फिल्म आप सबके जो पास में थिएटर में फिल्म लगेगी, और उसके लिए आज हम दीदी के साथ आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि हमें दीदी का आशीर्वाद मिले, तो बस आपकी दुआएं मिलें और ये फिल्म आप लोगों तक पहुँचे। आपका परिचय? हेलो, मैं तृप्ति शाक्या और मैं कुटुंब द फैमिली का एक हिस्सा हूँ एक सिंगर के रूप में, और मैंने बहुत सुंदर गाना गाया है इसमें, जिसमें मेरे साथ राजपाल यादव जी ने भी गाया है। पहली बार उन्होंने कोई युगल गीत गाया है, मेरे साथ गाया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और एक सिंगर होने के नाते मैं दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि कुटुंब द फैमिली ज़रूर देखें, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर और बहुत सामाजिक पारिवारिक मूवी है। ऐसी मूवी बार बार नहीं बनती हैं, सैकड़ों में कोई एक मूवी ऐसी बनती है, तो उनमें से एक ये मूवी है, ज़रूर देखें। और इस फिल्म का संगीत निर्देशन आर्यन जैन जी ने किया है, मेरे साथ बैठे हैं, बहुत ही सुंदर म्यूज़िक कंपोज किया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर सुंदर गाने हैं इस मूवी में। फिल्म का म्यूज़िक सोच रहे थे हम लोग, जो प्लान किया था उससे भी कहीं ऊपर म्यूज़िक जा चुका है, पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। और दीदी का जो गाना है, तृप्ति दी का जो सॉन्ग्स है, वो राजपाल भैया और तृप्ति जी ने इतना इतना हाई लेवल पे वो गाना गाया है कि मैं खुद इमेजिन नहीं कर पाता था कि ये गाना इतना अच्छे से इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ये गाना। और कुटुंब का जो टाइटल ट्रैक है कुमार सानू जी ने जो गाया है, तो उसके जो इतने फॉलोवर्स, उतना ऑल इंडिया से नहीं, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड से भी उनके मैसेज आते हैं लोगों के कि इतना अच्छा जो सॉन्ग्स है, इतना अच्छे से लिरिक्स किया गया है। तो उस चीज़ के लिए हम बस, आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो हम लोग ऐसे गाने बनाते रहें, ऐसी फिल्म बनाते रहें, इस टाइप से बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग 3 नवंबर को फिल्म आ रही है उसको देखें। एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग था क्योंकि अवध की टोन चाहिए थी इस गाने के लिए, अवध का छोरा जैसे टाइटल ट्रैक है, तो अवध का छोरा के लिए मैंने और अमित जी, हमारे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, हम लोगों ने डिज़ाइन किया कि इसको थोड़ा हटके करते हैं, जो आजकल जो चल रहा है ना उससे थोड़ा हटके करते हैं। तो फिर जेहन में राजपाल भैया का नाम और दीदी का नाम आया, तो दीदी, मैं थोड़ा पहले थोड़ा कंफ्यूज था, उसके बाद मैंने जब दीदी को सुना तो मैं रियली मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि हर प्रकार की सॉन्ग्स गा सकते हैं। इन्होंने मुझे ट्रायल बेसिस पे गवाया था, लेकिन बाद में खुद चौंक गया कि अरे रियली में बहुत अमेजिंग अल्टीमेट। मैं, मुझे लगा था कि भजन गाते गाते ऐसा तो नहीं कि भजन सॉन्ग्स में ही वो वॉइस रम गई हो, जैसा होता है अक्सर, लेकिन इतनी जो वर्सेलिटी है वो एक्चुअली मैं दीदी के अंदर देखी है मैंने। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर फिल्म में दीदी को गाना गवाऊं, उनके साथ काम करूं। थैंक यू सो मच। इस मूवी से उम्मीद मुझे, मेरी जो पहली फिल्म आई थी लाइफ में ट्विस्ट है, उसका म्यूज़िक जी म्यूज़िक ने किया था, और ये सेकेंड मूवी है कुटुंब द फैमिली टी सीरीज ने किया है, तो जितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस म्यूज़िक का, ऐसी फिल्म का, तो मैं चाहूँगा कि जैसे सानू दादा ने बोला कि मेलोडी कभी नहीं मरती है, और जावेद भाई, जावेद अली जी और शाहिद माल्या जी और अलका जी, तो इन सब लीजेंड लोगों का आशीर्वाद है, और ये लोग खुद पसंद कर रहे हैं म्यूज़िक को। और मेन चीज़ क्या है कि पब्लिक वो ही चाह रही है जो पहले जो छूट गया है, कहीं जो संस्कार जो छूट गए, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को आप छोड़ के टोटल वेस्टर्न अपना रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या है कि वो दिल को छूने वाली बात ख़त्म हो गई। और हमने कोशिश की है कि दिल से जो म्यूज़िक निकला है वो दिल तक जरूर, हर चीज़ है। ये फिल्म आप देखोगे ना तो आपके परिवार कंप्लीट पैकेज है, जिसमें इमोशंस भी हैं, ट्रेडिशन भी है, अच्छा संगीत है, म्यूजिकल मूवी है, और प्यार है उसमें, भाईचारा, आपस में जो भाइयों का प्यार दिखाया है अमित जी ने, बहुत सुंदरता से इस मूवी को डायरेक्ट किया है। एंड हम लोग बहुत सब एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर, 3 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, तो ईश्वर करे हमारी ये मूवी बहुत 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 बड़ी हिट हो। कुटुंब का ही गाना जो हम लोगों ने गाया है, मैंने गाया है, तो राजपाल जी की जगह आर्यन जैन जी गाएंगे, ट्राई करूंगा मैं गाने का। तो जी, मैं गोपाला रे तू ब्रजवाला, काहे को फिर शर्माए रे, तू नौटंकी लगे जे लगे रे जैसे मंकी, काहे को शोर मचाए रे, काहे को नैना लड़ाए रे, और भांग पिला दे दो नैनों से, भांग पिला दे दो नैनों से, होने दे कोई बवाल। वाह, अब
अवध का छोरा रे खेले रे गुलाल, अवध का छोरा मचाए बवाल। अरे वृंदावन का छेला बिहारी, वृंदावन का बाके बिहारी, हो गयो रे माला माल। अवध का छोरा रे खेले रे गुलाल, अवध का छोरा मचाए बवाल, अवध का छोरा रे खेले रे गुलाल। मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी हमारी प्रमोशन टीम को, स्पेशली स्पेशल थैंक्स टू नगमा खान जी जो हमारा इस मूवी का पूरा पीआर देख रही हैं, हमें पूरे वर्ल्ड वाइड हमें प्रमोट कर रही हैं, इस मूवी को प्रमोट कर रही हैं, तो हम सब की तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नगमा जी को मैं भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की और यहाँ इस कुटुंब को कहाँ तक ले जा रही हैं कि जो लोग देखें अपना कुटुंब बनाए। yes. ये yes. बड़ा अच्छी बात है, वो मैं थैंक्स बोलूंगा नगमा जी का। नगमा जी जो प्रमोशन कर रही हैं वो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। और म्यूजिक का इतना प्रमोशन शायद कभी नहीं हुआ पहले। वी आर लकी टू हैव नगमा जी एज अ प्रमोटर। यस या थैंक यू थैंक यू।